महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ एक टीचर द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। जैसे ही ये घटना सामने आई तो छात्र एवं छात्रा भी उग्र हो गए और उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस मौके पर कई छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिससे उनकी पुलिस प्रशासन से भी झड़प हुई। छात्रों का कहना है कि हिंदी विभाग के जयप्रकाश राजपूत द्वारा एक छात्रा से अश्लील हरकत की गई है। इस संबंध में उन्होंने प्रोफेसर SD चतुर्वेदी रजिस्ट्रार को एक ज्ञापन भी सौंपा है और मांग की है कि जयप्रकाश राजपूत के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाए। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को लगी तो सिविल लाइन की पुलिस और CSP भी मौके पर पहुंच गए। छात्रों ने मांग की कि टीचर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और FIR भी लिखी जाए, जिससे कि आगे इस तरह की हरकत कोई भी टीचर ना कर सके। हमारा नाम जीवन अहरवाल है। मैं यहाँ महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ, पढ़ता हूँ यहीं पर। यहाँ पर अभी एक घटना हुई है, एक टीचर के द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला आया है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसको गलत तरीके से छुआ गया है, उसके साथ गलत किया गया है। टीचर का नाम है जयप्रकाश राजपूत, हिंदी विभाग का है कोई, उसने छेड़खानी की एक छात्रा के साथ। हम चाहते हैं कि उसको सजा मिले छेड़छाड़ की, और उसके ऊपर कार्रवाई हो, FIR हो, और साथ ही साथ उसको सस्पेंड भी किया जाए, और साथ ही साथ ऐसी जो घटना हो वो बचें, छात्रा को सुरक्षा हो। छात्रा ने खुद बताया है, छात्रा खुद है यहाँ पे मौजूद है, छात्रा ने खुद बताया है। कॉलेज हिंदी विभाग डिपार्टमेंट में हुई है कॉलेज की। ज्ञापन देना था इन लोगों को, और ये ज्ञापन देने के लिए आए थे। इसमें भीड़ हुई थी और इसमें फिर हमने छात्रों को अंदर ले आकर ज्ञापन दिलवाया गया, और इनकी जो शिकायत थी वो दिलवाई गई। किस चीज़ की शिकायत थी, किस संबंध में? इनको किसी संबंध में बताना था, वो शिकायत उनके द्वारा दी गई है और अवगत करा गया। घटनाक्रम तो ये गोपनीय है, कोई घटना नहीं हुई अभी, घटना पुरानी बताई जा रही है। और चूँकि छात्रा की शिकायत है और उसने मीडिया में हाईलाइट होने से या मीडिया में खबर जाने से मना किया, इसलिए जो है उस पर विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती। सर, वो टीचर था, उसको शायद कॉलेज ने इन्वेस्टिगेट कर दिया है, क्या है? अभी किस बात पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, वही अभी बताया ना कि अभी उसमें डिटेल में जाना नहीं है। क्या वजह है, क्या छात्रा ने शिकायत की है तो बताएंगे? अभी कुछ नहीं बताएंगे। पुलिस से भी आवेदन दिया है? पुलिस को भी अभी हमको आवेदन दिया है, हम जांच कराएंगे, और अगर संतुष्ट नहीं होती है छात्रा तो वो पुलिस को आवेदन दे सकती है। छात्रे के साथ मारपीट वगैरह भी की गई है? नहीं, अभी ऐसा कुछ मारपीट का कुछ नहीं कहा उसने। छेड़छाड़ के जो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अभी कोई आरोप है, अभी आवेदन हमने पढ़ा नहीं है। आवेदन जो है अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है, वो निर्णय लेंगे, उसके बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा।